कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के नाबालिग से रेप के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रेप की वारदात के अगले दिन पीड़िता की बुआ के खाते में पैसे भेजे गए थे। आरोपी बुआ पर पहले भी पैसे लेने का आरोप है। तो बुआ की गिरफ्तारी के बाद अब जांच भी शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर, बड़ी खबर कन्नौज रेप केस से जुड़ी हुई, ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पीड़िता की बुआ को मोटी रकम मिली है और उस पर पहले भी पैसे लेने का आरोप लगा है। कन्नौज रेप कांड में एसपी नेता नवाब सिंह यादव का नाम आने के बाद अखिलेश यादव ने बगैर किसी का नाम लिए तंज कसा और बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन में है और बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। नोएडा में एक महिला पत्रकार से छेड़खानी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, बीजेपी राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर नारी के मान सम्मान से खिलवाड़ अपवाद नहीं रहा है। सत्ता के साए में बैठे लोग सरेआम विभत्स सवाल करके नारी को अपमानित कर रहे हैं। नोएडा में एक बार फिर से नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम हुआ है। इससे कुछ दिनों पहले दिलवाए गए बयान में कितनी सच्चाई थी ये बात पता चलती है। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। कई पर्चियों के जरिए बीजेपी विधायक केतकी सिंह समेत तीन लोगों की हत्या कर धमकी दी गई। बीजेपी विधायक ने नक्सलियों की साजिश की भी आशंका जताई है, साथ ही समाजवादी पार्टी के लोगों पर भी शक जताया है। उनका कहना है कि पहले भी बलिया में नक्सलियों ने लाल रंग के पेन से पर्चा लिखा था और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मैं ये तो ये सोचती हूँ, क्योंकि जब हमारा क्षेत्र रहा है, नक्सलाइट एरिया रहा है और नक्सली पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने बेरोजगार कर दिया था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। अब लोकसभा चुनाव जब से बीता है तब से इनको ये लग रहा है कि हमारा अवसर वापस आ सकता है, हमारा रोजगार वापस आ सकता है, इसलिए ये वापस पनपने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा नाम लिखना, ये खुली तौर पर ये चैलेंज देना चाहते हैं सरकार को कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और आप नाम लेने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं, आप सपने में भी इस तरह की घटना का अंजाम देने का नहीं सोच सकते। इस तरह की मुझे थ्रेटनिंग उस समय भी मिल रही थी, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का काम है कि नक्सलियों का काम है। इसकी जाँच मैंने प्रशासन पर पूरी तरह से स्वतंत्रता से छोड़ दी। उसमें लिखा है कि नाम की सुपारी दे दी गई है, गैंग एक्टिव हो चुका है और दिसंबर, बल्कि इस साल के दिसंबर तक उन्होंने क्लेम किया है कि दिसंबर तक तीनों चले जाएंगे और दो की हत्या तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, इस तरह का क्लेम कर रहे हैं। पर मैं भी देखती हूँ कि ढोल दूर के ढोल सुहावन लागे, आओ बाबू समझ में आएगा कि किसकी सरकार है और किसके साथ पंगा लेने का काम तुम कर रहे हो। खुद ही क्षत्रिय हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और डर और मेरा तो दूर दूर तक कोई कभी कोई नाता रहा ही नहीं, अगर डरती तो इस उसमें कभी आती नहीं मैं राजनीति में। खुलेआम चुनौती देती हूँ कि जिसको करना है, जिसने माँ का दूध पिया है, आमने सामने आके करना, पीठ पे खंजर घोंपने का काम नहीं करना। छत्री हूँ, चैलेंज देकर कहती हूँ, आमने सामने आकर जो करना है करना, पीछे से नहीं करना। लखनऊ के गोमती नगर में रिवर फ्रंट और अंबेडकर नगर पार्क के सामने इस मामले को लेकर जो हंगामा हुआ था, उस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक कार और 11 बाइक सीज की है।